नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर की कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सुजागंज बाजार हड़िया पट्टी स्थित मसाले की दुकान में रविवार की देर रात आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं इसको लेकर दुकान मालिक का कहना है कि वह दुकान बढ़ाते समय मेन स्विच ऑफ कर घर गए थे, तभी देर रात उन्हें आसपास के दुकानदारों से आग लगने की जानकारी मिली। इस दौरान आसपास के लोगों ने आग पर पहले काबू पाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैल गई। जबकि सूचना मिलने पर पहुंची अग्निशमन की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग लगने से 5 लाख के नुकसान की बात कही जा रही है, जबकि गली संकरी होने के कारण आग काबू पाने में फायरमैन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। क्या जानकारी नहीं भैया, हमें तो फोन आया तो मार्केट में आग लग गया था पूरा। हाँ, नहीं सिस्टम बंद करके जाते हैं हमेशा। हाँ, कितना बजे सूचना मिला? 11 बजे। 1 घंटा से ज्यादा हो गया अभी तक। क्या चीज का दुकान था ये? किराना का दुकान है, किराना मसाला का। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में सोमवार को सीनेट की बैठक हंगामेदार रही। वहीं हंगामे के बीच सीनेट की बैठक में 780 करोड़ 4 लाख 84 हजार 697 रुपये का बजट पेश किया गया। इस दौरान सदस्यों के द्वारा बजट में काफ़ी त्रुटि दिखाई गई, जिस पर कुलपति ने सदन को सुधार का आश्वासन भी दिया, साथ ही इसे संशोधित कर सरकार को भेजने की बात कही गई। वहीं महात्मा गांधी के शहादत दिवस को लेकर बैठक के पूर्व राष्ट्रपिता की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सीनेट सदस्य मृत्युंजय सिंह गंगा ने बजट में त्रुटि को लेकर बजट की कॉपी को महात्मा गांधी के चित्र के सामने रखकर उस पर पुष्पांजलि दी और उसे ठीक कर पास करने की बात कही गई, लेकिन इसके बाद भी विरोध किया गया। बैठक में विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, सेशन लेट होने समेत छात्र हितों से जुड़े कई सवाल खड़े किए गए। वहीं कुलपति ने कहा कि वह सभी बातों को ध्यान में रखकर समस्याओं का जल्द ही समाधान करने का प्रयास करेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की सीनेट के 780 करोड़ 4 लाख 84 हजार 697 रुपये खाते का बजट जो है उसको पास किया गया, अप्रूव किया गया विद सम्स करेक्शन। कहीं कहीं जो गलतियां हैं उसको हम लोग सुधार कर सरकार के पास। क्या लगता है त्रुटि होने का? देखिए, त्रुटि होने के कई कारण हैं। त्रुटि होने का एक कारण तो ये होता है कि समय कम मिलता है और लोग कई सेक्शन से माने डाटा जो है ना वो लगता है पूर्णतः नहीं आ पाता है, जो मुझे लगता है। दूसरा जो कारण ये हो सकता है कि प्रिंटिंग में गड़बड़ी है, कहीं न कहीं प्रिंटिंग में गड़बड़ी है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अधिशत सीनेट 2023 की बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल का छात्र संगठन के द्वारा विरोध किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय में घोर अनियमितता हो रही है और कुलपति छात्रों की मांग को अनसुना करते हैं। छात्र नेताओं ने कहा कि कई ऐसे मूलभूत समस्याएं हैं जिसको लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन के काम में जू तक नहीं रेंगता है। छात्रों ने कहा कि बैठक में साल का बजट किया जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय में लूट खसोट मची हुई है। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पद पर काफी रिक्तियां हैं, जबकि स्नातक परीक्षा में लगातार लीपापोती की जाती रही है। वहीं छात्र कुलपति के समक्ष अपनी मांगों को रखने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। मामले में छात्रों और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सीनेट का विरोध करने आए हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ छात्र हितों की बात ही नहीं होती है। कई हमारे सामने कई उदाहरण है कि सीनेट के पद को सिंडिकेट के पद को एवं प्रिंसिपल के पदों को बेचा जा रहा है और कुलपति यहाँ लूटने के लिए विश्वविद्यालय में आए हैं। यहाँ इन्होंने सिंडिकेट के बैठक में हम सभी से वादा किया था कि छात्र संघ के पैसे को सीनेट का बैठक होने से पहले उजागर कर दिया जाएगा, वो नहीं किया गया। सभी SC ST छात्रों एवं सभी छात्राओं का निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की घोषणा की जाएगी, अभी तक नहीं किया गया है। 31 सूत्रीय मांग पहला सिंडिकेट बैठक में दिया था, लेकिन एक भी डिमांड उस दिन पूरा नहीं किया गया। आज
38 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग आए हैं वार्ता करने के लिए। पहला मांग है TNB लॉ कॉलेज में 3 साल से एडमिशन बंद है, उसको चालू किया जाए, बंद कगार पे है। और विश्वविद्यालय कुलपति अखबार में हवाबाजी कर रहे हैं कि हम नया कोर्स चालू कर रहे हैं, नौकरी मिल जाएगी। पहले आपके TNB लॉ कॉलेज में एडमिशन बंद है, उसको तो चालू कीजिए। आप खाली बैठक आते हैं, चोरे चुके से बैठक कराते हैं पूरा फौज के साथ। पूरा लगता है यहाँ सीमा का बॉर्डर है क्या? छात्र है, आतंकवादी नहीं, छात्र है। यहाँ लगता है कि सीमा का बॉर्डर है जिस तरह से ये लोग बना रहे हैं सुरक्षा के तहत। हम लोग आए हैं कि बात कीजिए और छात्र का मुद्दा हल कीजिए। अभी तक इनका 6 महीना कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी भी कहीं भी हॉस्टल में काम चालू नहीं किए हैं। भागलपुर के खिरीबान पंचायत के 3 पुलिया के गणेशपुर में समाधान सेवा शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के संभावित भागलपुर दौरे को देखते हुए सोमवार को समाधान सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य, राजस्व, मनरेगा, राशन कार्ड, शिक्षा, कृषि विभाग एवं समेत कई शिविर लगाए गए, जिसमें सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए समस्याओं को सुना गया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर जिला के अलग अलग विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सबौर और जगदीशपुर अंचलाधिकारी, जगदीशपुर स्वास्थ्य पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी और कृषि पदाधिकारी से कई बातों की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। भागलपुर सुल्तानगंज में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर सुल्तानगंज स्टेशन परिसर में बापू की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान खादी भंडार के प्रांगण में महात्मा गांधी के तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। वहीं सभी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को नमन करते हुए उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर शिशिर कुमार सिंह, मोहम्मद मिराज, दिलीप यादव समेत कई राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। नमस्कार, सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा 1 फरवरी को साल का वित्तीय बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। वहीं देश के सभी राज्यों की तरह बिहार को भी इस वर्ष के बजट सत्र का लंबे समय से इंतजार है। गौरतलब हो कि बिहार सरकार के द्वारा लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मांग जारी है, और बीते वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने मिलकर इस मसले पर चर्चा की थी। वहीं साल के बजट को लेकर भागलपुर के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। खास तौर पर घर की रसोई संभालने वाली गृहिणियों का कहना है कि सरकार प्रत्येक वर्ष बजट पेश करती है और रसोई का सामान दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, जिससे उन्हें रसोई संभालने में काफ़ी समस्या होती है। किचन के सामान महंगे होने के कारण मध्यम वर्गीय परिवार के लोग खाने पीने के ज़रूरी सामान नहीं खरीद पाते हैं और पूरा दबाव रसोई संभालने वाली गृहिणियों पर आ जाता है। वहीं महिलाओं ने कहा कि नौकरी करने वाले लोग भी महंगे सामान का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए सरकार को किचन सामग्री में विशेष ध्यान रखते हुए बजट पेश करने की आवश्यकता है। सरकार से तो हम इच्छा रखते हैं कि गैस भी बहुत महंगा हो गया है, राशन का सामान भी काफ़ी महंगा हो गया है। उम्मीद करते हैं कि उनको थोड़ा सा कम किया जाए, ताकि गरीब लोगों को भी बहुत आसान हो जाए उनको घर गृहस्थी संभालने में, क्योंकि अभी बहुत परेशानी हो रही है। आए दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ये कहाँ रुकेगी ये कहना बड़ा कठिन है। मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग आते हैं और इस मध्यम वर्गीय परिवार को किचन संभाल पाना बड़ा कठिन हो रहा है, और
क्या कहें, हर बार जो है बजट में यही रहता है कि किचन पे ही भार पड़ रहा है ना। हमारे रसोई इतने महंगे होते जा रहे हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार का तो ये हाल है, और नीचे तबके का क्या हाल होगा। गृहिणियों को एज ए गृहिणी ये टेंशन तो एवरीडे बेसिस पे बढ़ती चली जा रही है। जब भी LPG का डिलीवरी आता है, हम लोग को 50 या 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। राइस, दाल, पल्सेस, जो भी पल्सेस हैं, राइस हैं या फिर आटा है, हर चीज़ का रेट एवरी शॉपिंग में लगता है कि थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। युवा वर्ग को चाहिए कि उसको रोज़गार मिले, इसके लिए स्किल डेवलप करने का कुछ और भी मतलब उसमें बजट प्रावधान किया जाए। दूसरी बात आपकी रही कि नौकरी पैसा जो कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी ये रहता है कि कुछ मतलब जो है इनकम टैक्स में कुछ रिबेट मिल जाए, ये तो आशा सबको लगी रहती है। साथ साथ जो है कि बाकी जो युवा अभी है उनके लिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, इनका जो है कि जॉब मतलब और भी क्रिएट किया जाए। भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पर्यवेक्षण गृह में विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पॉक्सो एक 2015 और लीगल अवेयरनेस चाइल्ड लॉ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिससे कानूनी अधिकार की जानकारी की मदद से लोग इसका उपयोग कर न्याय प्राप्त कर सके, जबकि दूसरों को भी इसके लिए जागरूक किया जा सके। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता मनीष कुमार, पारा विधिक प्रशांत रॉय, काराधीक्षक सुदर्शन समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर के तिलका मांझी जवारीपुर में सोमवार को सागर एंटरप्राइजेस के नाम से उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल के अधिकृत सोयुम की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा, समाजसेवी विजय कुमार यादव, सागर ग्रुप के डायरेक्टर कमलेश कुमार सिंह, संतोष कुमार, आराधना कुमारी और मैक्सी सागर ने संयुक्त रूप से फीता काट कर और नारियल फोड़ कर किया। इस दौरान सभी अतिथियों ने शोरूम में सजाए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखा और उसके लुक के साथ तमाम खूबियों की जानकारी ली। वहीं इसके बाद सागर इंटरप्राइजेस के प्रबंधन को बधाई देते हुए भागलपुर समेत आसपास के लोगों के लिए इसे सुविधाजनक बताया। वहीं इसको लेकर कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि उकाया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में वर्ष 2021 में ही कदम रख दिया है, लेकिन भागलपुर में इसका अधिकृत शोरूम सागर ग्रुप के द्वारा खोला गया है। उन्होंने कहा कि अब इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है और इसको देखते हुए उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम रेशमी शहर भागलपुर में भी खुल गया है, जो लोगों के साथ के लिए भी वरदान साबित होगा। कमलेश सिंह ने कहा कि यह वाहन कम खर्च के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाता है और स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण के लिए वर्ष 2030 तक देश में चलने वाली 60% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य भारत सरकार का है। साथ ही कहा कि इसमें लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी लगती है, जिसे भारतीय मौसम को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे अधिक गर्मी पड़ने पर भी कोई समस्या नहीं हो। वहीं आराधना कुमारी ने कहा कि इसकी कीमत 75,000 रुपये से शुरू है और सागर ग्रुप की ओर से पहले 30 ग्राहकों को आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। मौके पर उकाया AV सेल्स मैनेजर भास्कर आलोक, राजेश कुमार, अरविंद मंडल, अमर सिंह कुशवाहा समेत कई लोग मौजूद थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम का उद्घाटन हुआ है भागलपुर सिल्क सिटी में, और सिल्क सिटी जैसा कि हम लोग इसको धरोहर मानते हैं पूरे विश्व के रूप में, तो इसको संरक्षित करना, सुरक्षित रखना हमारा एक उद्देश्य है और कर्तव्य भी है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक वरदान साबित होगा, क्योंकि ये कोई भी प्रदूषण नहीं छोड़ता है और हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है और हमारा फ्यूचर भविष्य में हमारे जो पीढ़ियां हैं उसके लिए एक शुद्ध वातावरण छोड़ के जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी धुआं नहीं छोड़ता है, इस तरह से हम लोग पर्यावरण को बचाते हैं। और हम लोग जो है इसका आज ओपनिंग कर रहे हैं, हमारे सेल्स मैनेजर हैं यहाँ उकाया से, हमारे भाभी हैं, भैया हैं, सब लोग मिलकर करके इसको शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग जो है इसको अभी ऑफर चल रहा है, इसमें कोई भी फर्स्ट 30 कस्टमर्स के लिए हम लोग स्पेशल ऑफर दे रहे हैं और लगभग 2 गुना इसमें बैटरी पावर है। इसका भारतीय मौसम के अनुसार से बनाया गया है, जो कि कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होगा, ना ही इसमें बारिश, कितना भी बारिश हो जाए आपको कभी रुकने वाला नहीं है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहबाद के कस्माबाद गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन का वीडियो फेसबुक पर अपलोड करने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसको लेकर घायल युवक आनंद शर्मा ने बताया कि सरस्वती पूजा का डांस का वीडियो फेसबुक पर अपलोड करने पर गांव के दबंग युवक नीरज कुमार, फूलो शर्मा, संतोष
शर्मा, मानू कुमार एवं इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर लोहे के रॉड से जमकर पिटाई कर दी। आनंद शर्मा ने बताया कि घटना के दौरान उसे पिस्तौल सटाकर जान मारने की धमकी भी दी गई, जबकि फेसबुक पर अपलोड किया गया सरस्वती पूजा के डांस का वीडियो भी उसके कहने पर हटा दिया गया। इधर मारपीट की घटना में अमित कुमार, कुंदन कुमार, सुबोध शर्मा सहित घर के कई लोग घायल हो गए। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्ष के लोगों को थाना बुलाकर आवेदन लिया। इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। झगड़ा करने के लिए नहीं चाहते हैं और हम इसको कारण क्या था मारने का, क्यों मारा? कारण वही था, सरस्वती जी का ये अपलोड किया था, वीडियो अपलोड किया था। वो फूलो शर्मा बोला कि उसको उड़ा दो, गोली से ये उड़ा दिया। हम भी पहले कहे थे कि जाने थे कि उड़ा दो, तो उड़ा दिया, घर पे आके घुस के मारा सब। तो उड़ाने के बाद क्यों मारा, कारण क्या था? पहले भी ऐसे करता था? पहले भी रात में भी घुस के मारा था, 28 तारीख को घर में घुस के 12 बजे रात में मारा था। इससे पहले भी आपको मार चुका था? मार चुका था। भागलपुर के कविपुर सेंट्रल कमेटी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और उप सचिव पद के लिए चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। भागलपुर नगर निगम के ललमटिया थाना के अंतर्गत वार्ड संख्या 12 में विश्वविद्यालय सहित शहर के कई शिक्षण संस्थान मौजूद हैं, जिसको लेकर कविपुर मोहल्ला के संस्थान सेंट्रल कमेटी का चुनाव कराया गया। चुनाव मोहम्मद सरवर इमाम की अध्यक्षता एवं 11 सदस्यों की मौजूदगी में निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ। चुनाव कमेटी की निगरानी में संपन्न हुए वोटिंग के दौरान मोहल्ला वासियों ने भी वोटिंग की। इधर वोटों की गिनती के बाद मोहम्मद इजहार उल हक को अध्यक्ष, तनवीर खान को उपाध्यक्ष, मोहम्मद अखलाक को सचिव और मोहम्मद जाकिर खान को उप सचिव चुना गया। मौके पर मोहम्मद सोनू, मोहम्मद अरमान, डॉक्टर आफाक आलम समेत कई लोग मौजूद थे। पीरपैती प्रखंड के ऐतिहासिक योगी वीर पहाड़ी पर चल रहे 11 दिवसीय स्वर्णिम जन्म महोत्सव के अवसर पर शांति महायज्ञ किया गया, जहां सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के आगमन पर नगरवासियों एवं श्रद्धालुओं ने आचार्य महाराज के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया। इसके पूर्व रथ पर आसीन कर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती को गाजे बाजे के साथ यज्ञ स्थल पर लाया गया। वहीं महायज्ञ के दौरान पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि यज्ञ के दौरान अग्नि में दी गई आहुतियों से काफी फायदा होता है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऋषिपुर थाना प्रभारी अरविंद शहनी दलवल के साथ मौजूद रहे, जबकि अतिथियों का स्वागत जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन सा, मंटू रजक, प्रदीप सिंह और राम मुकेश ने किया। मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।